तो आज मैं आप सबके सामने हूँ एक और फनी एक्टिविटी लेकर, जिसकी कॉस्ट है 0 रुपीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट मी शेयर विद यू। इज इट लुकिंग गुड? ये मैंने घर पे ही बनाया है। जीरो कॉस्ट कैसे है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जीरो कॉस्ट कैसे है, कि एक सिंपल कार्डबोर्ड पड़ा था मेरे घर डिलीवरी में, जो आते हैं ऑनलाइन डिलीवरी में किसी भी चीज का, आई जस्ट रैप इट विद वाइट पेपर, और उसके बाद मैंने इस पे कुछ भी एक्टिविटी लिखी है। आप कुछ भी मैंने एनिमल से रिलेटेड लिखी है, क्योंकि मेरे बेटे को एनिमल्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और अब शायद पूरी मार्केट में एनिमल से रिलेटेड टॉयज खत्म हो चुके हैं। हमारे पास एनिमल फिगरीन्स हैं, एनिमल से रिलेटेड लाइट वाले सारे टॉयज हैं, एनिमल से रिलेटेड सॉफ्ट टॉयज हैं, एनिमल से रिलेटेड लगभग हर बुक है। अब मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि मैं एनिमल्स से रिलेटेड और क्या लाऊं। एनिमल से रिलेटेड कपड़े हैं, मग है, कैप है। तो मैंने एक और वे ढूंढा है उसको एनिमल से इंटरेक्ट कराने का, एंड ही इज रियली वेरी हैप्पी। मैंने तभी सोचा कि ये शेयर करना चाहिए। रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया, और इतना ही मतलब एटलीस्ट 20 मिनट तो बच्चा एंगेज रहता ही रहता है, और 20 मिनट तो एक बहुत बड़ी बात है बच्चे को एंगेज करना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एनिमल लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेक अ स्माइली फेस, मेक अ सैड फेस, कोई भी एक्टिविटी लिख सकते हो। और जैसे मैंने लिखा है, एक साइड लिखा है हॉप एज अ फ्रॉग, तो किड को हॉप करके दिखाना होगा फ्रॉग की तरह। वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है दोबारा से, एनिमल रिवाइज हो रहा है, उसका कलर रिवाइज हो रहा है, और जो बड़े बच्चे हैं उनका यूज होगा एज लगाना है, लाइक लगाना है, वाओ लगाना है, एन लगाना है, प्रोनाउंसिएशन बेटर बेटर यूज होगी। होगी। और हाँ, वही ग्रामेटिक, आप ग्रामर से भी खेल सकते हो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। यहाँ इमोशंस लिख सकते हो, मेक अ सैड फेस, मेक अ स्माइली फेस, या कोई एक्सरसाइज करानी है तो स्विंग योर आर्म, कुछ भी, कोई भी चीज लिख सकते हो इसमें। जैसे मैंने लिखा है फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, यू हैव टू फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, बैलेंस एज अ फ्लेमिंगो, उसमें आपको एक लेग पर खड़े होके बैलेंस करना होगा, हिस लाइक अ स्नेक, हिस लाइक अ स्नेक, तो इसमें स्नेक की तरह हिस करना होगा, स्टॉम्प एज एन एलिफेंट, एलिफेंट की तरह चलना होगा। अब जैसे इसमें बड़े बच्चे हैं तो उन्हें पता होगा कि एन लगाना है कि ए लगाना है, और वही छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्मेशन आएगी बच्चों को ऐसे। और बट एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बहुत छोटे बच्चों को एंगेज करना है तो इसको थोड़ा कलरफुल बनाना पड़ेगा। बने मेरे विगल एज अ कैटरपिलर, और इसमें आप यूं भी कर सकते हो, स्लो एनिमल्स सारे स्लो ही लिखें, सारे फास्ट, या फिर सारे फास्ट एनिमल्स लिखें। और यस, आई हैव कंप्लीटेड ऑल, यस। सो यू जस्ट गिव मी द रिव्यू, हाउ डू यू लाइक दिस जीरो कॉस्ट टॉय? एंड फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ थम्स अप। ये बच्चों को सच में एंगेज करता है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बड़े बहन भाई से बना सकते हैं, बनाने में भी बहुत मजा आ रहा है, और छुटकू मुटकू इससे खेल सकते हैं। सो गो फॉर इट, थैंक यू।